फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक न्यू टोकन के बारे में बताऊंगी जहां से आप लोग ईटीएच अर्न कर सकते हैं क्या प्रोसेस है कितना अर्न कर सकते हैं ये सारी ही चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस टोकन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसका नेम है बिग ई द एच रिफ्लेक्शन पावर ऑफ बिग ई नीचे यहाँ पे दिया हुआ है अर्न एट परसेंट इथेरियम वाइल यू स्लीप और इन होल्डे बिग इटीएच गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ माइनिंग इथेरियम तो यहाँ पे ये बिग इटीएच है जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ से आप लोग माइनिंग कर सकते हैं इथेरियम का एट परसेंट क्या प्रोसीजर है आगे बताती हूँ वी हैव बिल्ड अ रिफ्लेशनरी टोकन टू अर्न एट परसेंट इथेरियम एवरी आवर हर घंटे आप लोग यहां से एट परसेंट इथेरियम अर्न कर सकते हैं द किंग ऑफ मीम कॉइन्स ऑफरिंग द बिगेस्ट रिफ्लेक्शन रिवॉर्ड इन इथेरियम आफ्टर एवरी आवर बिग ई टी एच ट्रांजेक्शन गेट डिज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होल्डर्स एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेटिंग लिक्विडिटी लॉग्ड इन साइड द एल पी पुल तो यहाँ पर ये हर घंटे आप यहाँ से बिग ई टी एच अर्न कर सकते हैं यहाँ पे क्या है ये इनके जितने भी होल्डर्स होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी लगेगा वो इनके होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ पे यही सारा चीज़ दिया हुआ है हाउ बिग ई वर्क कैसे वर्क करता है जो इसका ट्रांजेक्शन फी लगेगा वो ये अपने होल्डर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ पे क्या है बिग ई इज़ रिफ्लेशनरी टोकन ऑफ इथेरियम गिव्स होल्डर एट परसेंट ऑन ट्रांजेक्शन चार्ज एज इथेरियम एवरी आवर वाइल यू स्लीप ऑल्सो तो अगर आप सो रहे हैं खाना खा रहे हैं घूम रहे हैं इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ से हर घंटे इथेरियम अर्न कर सकते हैं एट इथेरियम रिवॉर्ड है अर्न इथेरियम वाइल यू स्लीप रिवार्ड तो यहाँ पे जो मिनिमम है टेन डॉलर से आप लोग बाई करके यहाँ पे इथेरियम अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे क्या है ऑटो पे इथेरियम है यू डोंट नीड टू क्लेम योर अर्न इथेरियम इट्स ऑटोमेटिकली सेंड टू योर वॉलेट Uh, if the volume इज़ लोअर दिस में टेक लॉन्गर बट यू ऑलवेज रिसीव योर ETS. टी एस तो यहाँ से आप लोग हमेशा ही ई टी एस अर्न कर सकते हैं उसके बाद क्या है लिक्विडिटी है यहाँ पे बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रोजेक्ट और एनी अदर प्रोजेक्ट गेट इन्वेस्टमेंट सिक्योर तो यहाँ पे uh, क्या है स्कैम माइंड डेवलपमेंट ऑफ एंड पुट आउट ऑफ द लिक्विडिटी बीच क्रैश वॉलूम एंड प्रवेंट्स अदर स्कैम यहाँ पे फ्रॉम ट्रेडिंग शो तो यहाँ पे ये यह है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ कहाँ ये है ये लिस्टेड है हाउ बिग ई रिफ्लेक्शन एच वर्क बिग ई एच इज़ पावर ऑफ इथेरियम रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को बताया ही यहाँ पे इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट है रिटर्न है और फिर ये इन्वेस्टर को मिलेंगे यहाँ पे है वेन इन्वेस्टर बाई ए मिनिमम अमाउंट ऑफ टेन डॉलर बिग इट टोकन यहाँ पे टेन डॉलर से आप लोग मिनिमम यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं इट विल कट एवरी चार्जेस टेन परसेंट बाई और सेल प्रोजेक्ट टोकन तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फी लगेगा टेन परसेंट वो यहाँ पे बाई और सेल दोनों में लगेगा वही ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा द टेन परसेंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट थ्री लेयर एट परसेंट होल्डर वन परसेंट मार्केटिंग वन परसेंट लिक्विडिटी जो टेन परसेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी लगेगा उसका एट परसेंट ये होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वन परसेंट मार्केटिंग के लिए वन परसेंट लिक्विडिटी के लिए सो फाइनली द परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टोकनॉमिक्स की बात करेंगे तो फोर्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट है प्रीसेल के लिए नाइन पॉइंट फाइव परसेंट बर्निंग के लिए है और यहाँ पे थर्टी परसेंट लिक्विडिटी लॉक्ड है फाइव परसेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए है और यहाँ पे फाइव परसेंट मार्केटिंग के लिए है फाइव परसेंट डेवलपर के लिए है फाइव परसेंट एडवाइजर के लिए है हाउ टू बाई बी बिग इट इच मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताती हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ये uh, ट्रस्ट वॉलेट से आप लोग कैसे बाई करना है प्रोसीजर दिया हुआ है रोड मैप की बात करें तो यहाँ पे देखिए बिग अचीवमेंट है प्री सेल है प्री सेल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं सर्टिक्स ऑडिट यहाँ पे है ये सारा कितना यहाँ पे देखेंगे तो एक एक करके मैं बताती हूँ यहाँ तक देखिए बिग डेवलपमेंट यहाँ तक हो चुका है तो ये सर्टिक्स है यहाँ पे सर्टिफाइड भी है सेक्स लिस्टिंग और यहाँ पर आस्कमी एनी थिंग ये सारा चीज अभी अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये नहीं आया है सर्टिक से ऑडिट है इसका ऑडिट रिपोर्ट मैं दिखाती हूँ उससे पहले और क्या यहाँ पे है चैरिटी डोनेशन है फर्दर इको सिस्टम डेवलपमेंट है न्यू रोड मैप न्यू जो रोड मैप होगा 2020 का वो अभी आने वाला है यहाँ पे नहीं अभी दिया हुआ है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनका टेलीग्राम ट्विटर और यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं उसके बाद है डोंट मिस आवर स्टे अपडेटेड तो आप लोगों इसके बारे में अपडेट चाहिए तो आप लोग इनका सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पू क्वाइन पे भी आप इसे देखेंगे यहाँ देखिए गीत है यहाँ से ये यह, ऑडिटेड है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बी एस स्कैन बेस्ड प्रोजेक्ट है यहाँ पे अभी इनके कितने होल्डर्स हैं यहाँ पे अभी 632 इनके होल्डर्स हैं और यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है यहाँ पे 100 बिलियन का इसका टोटल सप्लाई है यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेस्क ग्रुप पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेंट प्राइस है देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फाइव टाइम जीरो फोर थ्री है और यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो फोर्टी टू परसेंट से यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है देख सकते हैं इसका चार्ट देखिए यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है अप एंड डाउन भी हुआ है पहले से थोड़ा सा डाउन भी हुआ है लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी इसका प्राइस काफ़ी बढ़ा है उसके बाद आप पू कॉइन पर भी आप इसे देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे पू कॉइन पर भी देखेंगे तो ये लिस्टेड है यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों को इसे बाई करना है तो कैसे बाई कीजिएगा लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर बाई आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने रिस्क पे कीजिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मेरा काम है बस आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बाइंग का डिसीजन आपका होगा क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी देखने को मिलता है तो कभी कभी लॉस भी देखने को मिलता है तो आप लोग बिल्कुल अपने ही रिस्क पर यहाँ पर बाई कीजिएगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बी एस सी स्कैंसल ले लेते हैं यहाँ पे देखिए कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे पहले इस टोकन को ऐड करना होगा तो इस टोकन को पहले ऐड कर लेंगे ऊपर में टॉयल बटन है टॉयल बटन पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद ऐड कस्टम टोकन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे इथेरियम के जगह स्मार्ट चैन कराएंगे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे ये टोकन ऐड हो चुका है डीएफ्स पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पैन कैक स्वैप सर्च कर लेंगे क्योंकि पैन कैक स्वैप पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है उसके बाद नेटवर्क में देख लीजिएगा स्मार्ट चैन है या नहीं उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंसी आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इस टोकन के एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद देखें यहाँ पर बिग ई टी एच आ गया है इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लीपेज यहाँ पर टेन परसेंट का रखना है तो यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर टेन परसेंट इंटर कर लेंगे यहाँ ऊपर से कट करेंगे टेन परसेंट आ गया है अब आप लोगों को जितने भी बी एन बी से बाई करना है यहाँ पे अमाउंट एंटर कर लीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बदले मैंने यहाँ पे एंटर किया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू उसके बदले यहाँ पे देखिए मुझे ट्वेंटी टू लैख फोर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी फाइव यहाँ पे टोकन मिल रहा है स्वैप पे क्लिक करना है कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करना है बस यहाँ पे डिसमिस आ रहा है तो यहाँ पर कुछ हेरर आ रहा है स्लीपेज यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे ट्वेल्व परसेंट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे स्वैप है स्वैप पे क्लिक करेंगे कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे अभी भी यहाँ पे देखिए मैनुअल गैस लिमिट तो यहाँ पे और भी स्लिपेज सेट करना होगा तो यहाँ पे स्लिपेज में यहाँ पे चलिए फिफ्टीन परसेंट कर लेते हैं आप लोग मैनुअली कीजिएगा तो थोड़ा सा बढ़ा करके देखिएगा थर्टीन परसेंट तो यहाँ पे कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्लिपे जब मैंने 15 परसेंट यहाँ पे ऐड किया तो ये आ चुका है जस्ट आप लोगों को यहाँ पे अप्रूव कर लेना है यहाँ पे नेटवर्क फी काफी लग रहा है अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये टोकन आप लोगों के आप लोगों का बाई हो जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइंग का डिसीजन बिल्कुल आपका होना चाहिए तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग